What's up peeps, we are back with another vlog. और आज का जो हमारा vlog है वो यूनिवर्सिटी के अंदर का है, और यूनिवर्सिटी आते आते हमें आज सुबह बहुत फारी लगी है, इतना ट्रैफिक, इतना रश था, और जो धूप चमाटे मार रही थी, मतलब हम लोग जो 30 मिनट वाला रास्ता होता है वो हमने जो है कोई 1 घंटा लग गया हमें क्लास में आने आते, हमारी पहली क्लास की जो है ना अटेंडेंस भी चली गई, और बहुत बैड सीन हुआ। और क्लास में आती हमें जो है एक और नया ही सरप्राइज़ मिल गया, सर को पता नहीं क्या सोच रही थी, वो सरप्राइज़ भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग, बाय। मतलब हमारी शक्लें हैं सरप्राइज कुछ देने वाली, हमें 2 दिन पहले बोला कुछ टेस्ट की तैयारी करके नहीं आते, नाग बहरी आप इतना साफ कर लो ना, इसलिए अभी तो नाग बहरी जब आप सरप्राइज कुछ दोगे ना, जब आप टेस्ट दोगे लिखोगे जाके क्लास में, आपको और भी बहुत कुछ बहुत तो यार ये लाइफ है। और रास्ता ऐसा था कि धूप की मुंह पे जो चमाटे लगी हैं खाली, हमें पता है पूरा सारा फैसल जाम, पूरा काला पूरा खाले रास्ते से हम आया जाम, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमसे इधर तो आओ, बताओ आपके कैसे पास रास्ते सरप्राइज मिल रही यार। आप जो है नाजेबा अल्फाजों का जो है ना इस्तेमाल कम किया करो, लोग बातें बनाते हैं भाई, यही होगा जब लोगों की आप हटाओगे तो लोगों के मुँह से गालियाँ निकलेंगी। हमजा भाई को सरप्राइज किसको सुन के इतना बड़ा शौक लगा, हमजा भाई टीचर को भी गालियाँ देने लग गए। चलो खैर है, देखते रहते होता है तो स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग, बाय। मुबारक भाई, सरप्राइज किस देकर निकल आए लड़के, और अलहमदिल्ला कामयाबी से दे दी है कुछ। हमजा भाई बताओ हम कहाँ हैं, खाना खाने क्या खाने हैं तो भाई सही से बताओ ना, थोड़ा जोश जोश जज्बे से खाना तो फिर जोश से बताऊँ। हाँ भाई एक प्लेट कर दो। अच्छा तो आपने जो है हलीम भी खानी है, हलीम पुलाव खाना है, तो मुझे और हमजा को तो लग रही थी भूख, और हम लोग का जो एक तरह से रोज़ का ही है यहाँ पे, मैं कचौरियाँ खाता हूँ, हमजा को हलीम पुलाव यहाँ का बहुत पसंद है, कचौरियाँ यहाँ की एक ही जगह तो बहुत पसंद, और जब टीचर हम लोगों की मारते हैं क्लास में तो हम लोग उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कचौरियाँ खाने आते हैं, तो कचौरी हमजा भाई यहाँ की कचौरियों का आप रेट तो करो, आपने इतनी बार खाई है कचौरियाँ यार? बहुत दफ़ा खाई है, कभी कभार कुछ भी खा लेते खराब हो। अच्छा यार इतनी नहीं खानी चाहिए ना भाई कि आपका पेट ही खराब हो जाए। हाँ ये है कि ये और मैं मिल के जो है तो 12 से 15 तो खा ही लेते मिनिमम हमारा होता है, लेकिन ये कब यहाँ के कचौरी में टेस्ट ही ऐसा होता है कि उसको हम छोड़ नहीं पाते। अगर कचौरी आती है तो कचौरी अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये अंकल जो है मेरे ख्याल में ये कचौरियों के पेड़े बना रहे हैं। अंकल भाई बोल दे यार, उम्र नहीं है, हमारी उम्र का तो नहीं, दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी अंकल की हमारी उम्र का दादी। खैर यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, मतलब आपको सस्ता और टिकाऊ खाना है तो आपको ये कचौरी वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो खाना हमारा आ गया, और खाने के रिमार्क्स हैं हमजा भाई बहुत आला बहुत आला, तो अभी हम खाना खाएंगे, और खाने के दौरान कोई वीडियो नहीं क्योंकि खाना खाते वक्त ये बुरे मैनर्स होते, बैड मैनर्स किए जाते हैं, तो अभी हम तसल्ली से खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद दिखाते हैं कि हमारा आगे का जो यूनिवर्सिटी में दिन है वो कैसा गुजरता है, तो स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग, बाय। भाई वाह, खाना खाने के बाद जो दिमाग काम करता ना, सारी थकन भी दूर हो गई और मज़ा ही आ गया। और हमजा भाई मेरे से शायद नाराज़ हैं इससे, मेरे दूर दूर चरक। हमजा भाई अभी बताओ अभी कैसे हालात है, खाना खाने से पहले तो टीचर ने हमारे बड़े बुरे हालात कर दिए, अब दबा के नींद आ रही है भाई, इनको दबा के नींद आ रही है। खैर अभी हम चल रहे हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाके तो हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी जो दूसरी क्लास में गैप है वो तकरीबन 3 घंटे का गैप है, तो लाइब्रेरी में बैठ के हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे अगर कर सके तो। झूठ तो नहीं बोल। अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे कुछ तो करेंगे ना भाई, भाई इधर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, खैर देखते हैं लाइब्रेरी में जाके क्या होता है। और मौसम तो है कि बड़ा बड़ा सुहाना हुआ है मौसम, बारिश का अल्लाह ना करे बारिश हो जाए, क्योंकि हमें रात में घर भी जाना है, यहाँ से घर हमारा दूर है, तो बड़ी बहुत ही खिचपिच हो जाएगी रास्ते में। तो अब लाइब्रेरी चल के वहाँ के आपको मैं मंजर दिखाता हूँ। और हमजा भाई बताओ कैसे हाल चाल है? हाँ भाई हमजा भाई को तो फुल नींद आई हुई है, और लाइब्रेरी में हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप इट स्लो, क्योंकि लाइब्रेरी का उसूल होता है नो साइलेंस नो वायलेंस। और मुझे भी अब नींद आ रही है, अभी मेरे ख्याल से अभी भी 2 घंटे रहते हैं हमारे अगली क्लास में, फिर उस क्लास में हमें सर खींचेगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो हम तो आज जो है एक हमारा आज का दिन एक मंडे का दिन, जिस दिन हमारी 2 क्लास होते हैं बीच में गैप आ जाता है ना,
इस दिन बड़े चुपियापा होता है। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज व्लॉग, क्योंकि अब ना तो हमारी हिम्मत रह गई है और ना ही फिलहाल कुछ बताने के खास रहेगी आज के ब्लॉग में। और हमारी एक और क्लास है 6 to 9, अब हम क्लास लेंगे और फौरन ही घर निकलेंगे। तो हमजा भाई फेयरवेल बोल दो आज के ब्लॉग में।